दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये पीडीएफ ईबुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस पीडीएफ ईबुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ईबुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, असील कड़कनाथ, एफएफसी सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी, कारण, इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी पीडीएफ ईबुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, यहां पर एक हमने बॉक्स बनाया था, गत्ते का बॉक्स है। इसके अंदर चारों तरफ थर्माकोल लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें हमने एक एसी कंट्रोलर लगाया हुआ था। ये जो हमारा बॉक्स है, पहले हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, यानी कि इसमें लगभग 50 अंडों में से हमें 35 चूजे मिलते थे। लेकिन अभी ऐसा इसमें क्या हुआ है कि आज अंडा लगाए हुए हमें लगभग 21 दिन हो चुके हैं, बट एक भी चूज़ा नहीं निकला हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इंक्यूबेटर के बारे में। यदि आप अंडों से हैचिंग करते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आपके पास आज भी ऐसा हो सकता है कि आपने अंडे लगाए हैं और आपके 20, 21 या 22 दिन हो गए हैं बट उनसे चूज़ा नहीं निकला है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो और देसी मुर्गी पालन या फिर आप अंडों से चूज़ा निकालने का प्रोसेस करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो बात इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर है, ये एमिक स्मार्ट का एसी कंट्रोलर है। सबसे पहले मैंने खरीदा था, पहले मैंने दूसरे बॉक्स में लगाया था, छोटा मोटा जब स्टार्ट किया था, सीखा था, उसके बाद में हमने एक कंप्लीट बॉक्स ये बनाया हुआ था। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता था, लगभग 50 अंडों में 35 चूजे तक इसमें निकलते थे मेरे। लेकिन अभी लास्ट में क्या हुआ कि इसमें अभी जो मैंने अंडा लगाया था इसमें एक भी चूज़ा आज कल या परसों 19 दिन या 20 दिन में एक चूज़ा इसमें निकल आता था, बट एक भी अंडे में क्रैक तक अभी नहीं आया। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें हुआ क्या है। जो हमारा कंट्रोलर बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, आज उसमें एक भी चूज़ा हमारा क्यों नहीं निकला, एक भी अंडे में क्रैक क्यों नहीं आया। तो मैंने इसको चेक किया, क्योंकि मैं कई बार ऐसा देख चुका हूँ कि जो कंट्रोलर है तो कंट्रोल में जो सेंसर लगा हुआ होता है वो प्रॉब्लम कर जाता है। मतलब जो सेंसर है वो सही से उसका टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसको रीड नहीं कर पाता है कि कितना टेम्परेचर अंदर है। तो जब वो सही से रीड नहीं कर पाता है तो वो जो आपका कंट्रोलर होगा उसको सही नहीं बता पाएगा, जिससे उसके अंदर का टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। तो सेम कंडीशन इसमें ऐसी ही हुई। जब ये चूज़र नहीं निकला तो मैंने एक इसमें क्लॉक रखी, ठीक है, जो हमारी क्लॉक है उसको मैंने इसके रखा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाली। तो उसमें जो टेम्परेचर था वो लगभग 34 के आसपास दिखा रहा था, 34-35 के आसपास दिखा रहा था, जो कि लगभग 2 सेल्सियस से भी कम था। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ इसमें आई तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या है। चलो, क्लॉक हो सकता है गड़बड़ हो, जो हमारा कंट्रोलर इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर। तो मैंने मेरे पास यहाँ पर एक ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोलर मैंने मंगाया था, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। मैंने इसको लगाया और इस पर चेक किया, इसमें मैंने उसका सेंसर डाला, इसको ऑन किया, तो जब देखा तो इसमें भी लगभग 34-35 के आसपास ही टेम्परेचर बता रहा था। तो मैं समझ गया कि अंदर जो है वो टेम्परेचर सही नहीं बन रहा है। तो जब अंदर टेम्परेचर सही नहीं बन रहा होगा तो फिर उसमें से चूज़ा नहीं निकलेगा, उसकी जो चूजे की ग्रोथ होगी वो बिल्कुल ही ना के बराबर होगी, बहुत ही कम होगी और टाइम से चूज़ा नहीं निकलेगा। और एक आध चूज़ा अगर निकलना भी होगा तो वो एकदम मतलब कमज़ोर चूज़ा ही निकलेगा। दोस्तों, यदि आप एक नया इंक्यूबेटर बना रहे हो या फिर आपने पहले भी कभी बनाया हुआ है और अब उसमें से जो चूज़े हैं वो कम निकलते हैं, या फिर आपने कहीं से परचेस किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका कितना भी अच्छा रिजल्ट देता हो तो ज़रूरी यही है कि समय समय पर आप उसको चेक करते रहिए किसी ऐसी चीज़ से, ठीक है, किसी ऐसे कंट्रोलर से या फिर थर्मामीटर से या जिससे भी आप टेम्परेचर को चेक कर सकते हो, जिस पर आपका पूर्ण विश्वास हो कि ये चीज़ हमारी 100% सही टेम्परेचर बताती है, उसको उस बॉक्स में आप रखिए, उस बॉक्स से चेक करिए। 15 दिन, 1 महीने में जब भी आप अंडे हैचिंग के लिए लगाओ तो हमेशा चेक करते रहो,
ठीक है, कि इसमें जो टेम्परेचर हमारा बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इन बातों का अगर आप बहुत ध्यान रखोगे तो आपके कभी भी अंडे ख़राब नहीं होंगे। जो परिस्थिति आज मेरे साथ हुई है, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास था लेकिन फिर भी ये धोखा मुझे दे गया है। ठीक है, तो ऐसी समस्या कभी भी आ सकती है। दोस्तों, जैसे ही मुझे इसके बारे में जानकारी हुई कि हमारा ये कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, मैंने तुरंत इसको चेंज किया। ठीक है, कल मैंने चेंज किया था और आज हमें इस बॉक्स के अंदर चूजे की आवाज़ आ रही है, मतलब एक अंडे में क्रैक पड़ चुका है जिससे चूजे की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, जब हम हैचिंग करते हैं और हमारे अंडों से चूजा नहीं निकलता है तो बहुत ही निराशा पैदा होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यही मन करता है कि अब हम ये हैचिंग छोड़ दें। लेकिन प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे अंदर नहीं होती है, बल्कि हो सकता है जो कंट्रोलर हमने लगाया, जो इसमें सिस्टम लगाया, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं बट हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इनक्यूबेटर संबंधित 5 बातें बताई हैं। यदि आप इन 5 बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हो और इन्हें फॉलो करते हो तो आपके हैचिंग का रिजल्ट है वो 90% तक आएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।